दोस्तों ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि बड़े और खूंखार दिखने वाले जानवर ही ज्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि छोटे और शांत दिखने वाले जानवर भी काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही जानवर के बारे में बताने वाले हैं जिसकी ताकत को देखने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे। और दोस्तों उस जानवर का नाम है कंगारू। दोस्तों कंगारू केवल ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है और यह ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु भी है। और ये एक ऐसा जानवर है जो आमतौर पर काफी बड़े बड़े झुंडों के अंदर रहता है, जहां बहुत ज्यादा संख्या में कंगारू मिलकर भोजन व पानी की तलाश में बहुत ही लंबी यात्राएं करते हैं। अगर कंगारू के शरीर की बनावट की बात करें तो इनके पैरों में अंगूठे बिल्कुल भी नहीं होते हैं, लेकिन कंगारू की बाजुएं काफी मजबूत होती है, जो कि किसी बॉडी बिल्डर से कम नहीं होती है, जहां इनका एक पंच ही अच्छे से अच्छे बॉक्सर की हालत खराब कर देता है, क्योंकि इनका मुक्का आम इंसान से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि कंगारू अपनी पूंछ पर बैलेंस बनाते हुए बहुत ही जोर से अपने प्रतिद्वंदी पर हमला करते हैं, और इनके पैरों से पड़ने वाली लात किसी की भी हड्डियां और पसलियां आसानी से तोड़ सकती है। और आप इस तस्वीर में साफ तौर पर देख ही सकते हैं कि इस बॉडी बिल्डर की तरह दिखाई देने वाले कंगारू ने स्टील के बने इस बर्तन का क्या हाल किया है। दोस्तों वैसे तो कंगारू बहुत ही शांत होते हैं, लेकिन जब ये लड़ाई करते हैं तो बहुत ही आक्रामक हो जाते हैं और अपने अपोनेंट को तब तक लाते जमाते रहते हैं जब तक कि वो मैदान छोड़कर भाग न जाए। और ये लड़ते समय एक चीज का विशेष ध्यान रखते हैं, और वो ये होती है कि लड़ते समय ये अपनी गर्दन को पीछे की ओर झुका लेते हैं। और ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इससे इनकी गर्दन को कोई भी भारी चोट नहीं लगती है। कंगारू एक ऐसा जानवर है जो कि सूखे और रेगिस्तानी इलाकों में रहने के कारण कई दिनों तक बिना पानी पिए रह लेता है, और इसी कारण इनको कठिन परिस्थितियों में रहने का बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। वैसे तो जहां कंगारू पाए जाते हैं वहां उनका शिकार करने वाला कोई भी शिकारी जानवर नहीं होता है, लेकिन फिर भी डिंगो नामक जंगली कुत्ते इनके लिए खतरा होते हैं। हालांकि कंगारू की तेज रफ्तार होने के कारण ये डिंगो डॉग से अपने आप को बचा लेते हैं। कंगारू एक 2.8 मीटर लंबा जानवर होता है, जो कि 50 से 60 किलोग्राम तक भारी भी होता है, लेकिन कंगारू की दौड़ने की रफ्तार बहुत ही तेज होती है, क्योंकि ये कंगारू 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कूदते हुए भागते हैं, और ये एक बार में 15 से 20 फीट लंबी छलांग भी लगा लेते हैं, जो कि अपने लंबे और मजबूत पैरों की वजह से कर पाते हैं। अगर बात करें इनके प्रजनन की, तो मादा कंगारू का गर्भकाल 36 दिनों तक का होता है, जिसके बाद ये छोटे और लाल रंग के नन्हे से कंगारू को जन्म देती है। और ये छोटा सा कंगारू कई महीनों तक अपनी माँ की थैली के अंदर ही रहता है, और फिर जब ये पूरी तरह बड़ा हो जाता है तो थैली से बाहर निकलकर बाहर की दुनिया देखता है, और फिर उस कंगारू को माँ के दूध के बजाय घास खानी पड़ती है और बाहरी परिवेश की चुनौतियों से भी लड़ना पड़ता है। तो दोस्तों आपको ये कंगारू से जुड़ी जानकारियां कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, और अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।